कैंप एक भिलाई में स्थित है। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी की आज से लगभग 45 वर्ष पूर्ण बनाया गया था। रविवार को इस गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण के लिए गुरुद्वारा कमेटी एवं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के द्वारा भूमि पूजन किया गया। गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब जी कैंप वन का निर्माण हुए लगभग 45 वर्ष बीत चुके हैं और अब गुरुद्वारे की इमारत नया निर्माण चाह रही है। इसे देखते हुए गुरुद्वारा कमेटी ने फैसला लिया है कि गुरुद्वारे की इमारत को फिर से नया रूप दिया जाए। इस बार ये इमारत 2 मंजिला बन रही है और गुरुद्वारे में लंगर लगाने के लिए विशेष हॉल भी तैयार किया जाएगा। इसे लेकर रविवार को गुरुद्वारा परिसर में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसे छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल एवं अन्य पदाधिकारी सहित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों एवं आम जनमानस जो वहां उपस्थित थे उनके घर कमल से संपन्न किया गया। तत्पश्चात मंच कार्यक्रम में सभी ने उपस्थित जन समुदाय को नए भवन निर्माण की ढेरों बधाइयां दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अपने सारे प्रबंधक कमेटियां और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कैंपिक नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा, जो कि अहीं इन्होंने अपना बहुत बड़ा उपराला किया। जो बिल्डिंग नया बिल्डिंग के लिए अज टप लगाया गया, जो कि सभी पूरी भलाई की दुर्ग की संगत साथ में है और सभी को बोला गया कि वध से वध अपनी सेवा दें और साथ साथ में अपना सेवा भी करें और साथ में आके पूरा सहयोग भी करें, पैसे का भी और काम का भी। आज गुरुद्वारा कैंप एक की प्रबंध कमेटी ने तरन तारण साहब श्री ग्रंथ साहब जी का नवा हाल बनाने वास्ते दुर्ग भलाई दिया सारे प्रबंध कमेटियां सद के अज टप लाया है। महाराज ने अपने कार्य आप ही करने हैं, खाली साडा तो हीला वसीला है, करे करावे आपे आप, माठ दे कुछ नहीं हाथ, खाली साडा तो हीला वसीला करना महाराज ने आप है, क्योंकि वो सुंदर हाल बनने हैं। इस वास्ते इन्होंने बहुत ही वड्डा उपराला किया है, आपां सारे ने मिल के इन्हों का सहयोग से साथ देना है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आपको मालूम है कि आज यहाँ पर जो है गुरुद्वारा का नींव पत्थर रखा गया है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुद्वारा जो है कम से कम भी तो 40-42 साल पुराना है। एक इसका जीर्णोद्धार के लिए बार बार हम लोग कई बार इसका जीर्णोद्धार किए हैं, कई बार इसका जो टाइल्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के जो है ये 40-45 साल हो गया है। तो आज यहाँ पर नींव पत्थर रखा गया है छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के द्वारा, और जैसे कि आपको मालूम है कि कैंप एक गुरुद्वारे की अगर बात करें इस गुरुद्वारे की, तो कोरोना काल में देखा गया था कि सब जगह जो थे सब दरवाजे बंद हो गए थे, मगर इस गुरुद्वारे में लंगर का जो व्यवस्था जो है सुबह शाम जो है लगातार चलती थी। आज हमें कहते हैं कि अस्पताल की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, मगर मैं कहता हूँ गुरु घर की भी ज़रूरत है। जब भी विपत्ति आती है गुरु घर जो है वो संगत जो है सब साथ में खड़ी होती है, भला विश्व में कहीं भी देखा जाए तो एकदम बढ़ चढ़ के जो है सेवा करते हैं। और आज यहाँ पर नींव पत्थर रखा है और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के द्वारा यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं और एक भव्य जो है कि इमारत जो बन के आने वाले समय में तैयार होगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का विशेष प्रोग्राम जो है गुरुद्वारा बिल्डिंग को लेके है, क्योंकि गुरुद्वारा बिल्डिंग जो है नहीं बनानी है, नीचे लंगर हाल रहेगा, ऊपर में गुरुद्वारा बनेगा। आज सारियाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ, सिख पंचायत, सारी संगत, सब गुरुद्वारों के प्रबंधक जन जहाँ आके सब उद्घाटन किया गया है। और ये बिल्डिंग जो है जब तक कंप्लीट नहीं होगी हो जाएगी, अपना गुरुद्वारा जो है ऊपर चले जाएगा। असी सारियाँ संगतों का बहुत बहुत धन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। देखो तीन चार साल तो लग जाएंगे काम करते करते पूरा। कैंपे को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान बलदीप सिंह, वाहे खालसा, वाहिगुरु। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब जी कैंप एक में विशेष अरदास की गई और उपस्थित पूरी संगत को प्रसाद का वितरण भी किया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।